केमिकल काइनेटिक्स। देखो केमिकल काइनेटिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, नीट और जेईई मेंस में क्वेश्चन इससे रहेगा, ठीक है, दो से तीन क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस, आई हैव टाइप्स ऑफ रिएक्शन। बेटा देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट बेटा होता है, देखो फर्स्ट फर्स्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, इट्स रिएक्ट रिएक्ट इन 10^-14 टू 10^-16 सेकेंड। आपको जो रिएक्शन कंप्लीट हुआ ना, जो रिएक्शन कंप्लीट करेगा इतनी में, कंप्लीट रिएक्शन जो कंप्लीट करेगी 10^-14, ये बता देते 10^-14 टू 10^-16 सेकेंड, ये याद रखना, ठीक है। करता कितनी टाइम लेता है, 10^-14 टू 10^16, ठीक है, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, एसिड बेस रिएक्शन होता है। देखो एसिड बेस रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन होती है, मोस्ट एग्जांपल देखो आयनिक रिएक्शन, पोलराइजेशन रिएक्शन, पोलराइजेशन रिएक्स, एग्जांपल देखो इसका, एसिड लो HCl प्लस बेस लो, क्या हो जाएगा, बना देगा प्रोडक्ट बेटा NaCl प्लस वाटर, ठीक है, ये क्या है एसिड, ये हमारा एसिड हो गया, ये हमारा बेस हो गया, क्लियर। एसिड और बेस का जो रिएक्शन कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड और प्लस वाटर, ये बेस जो रिएक्शन करता है ना, इस टाइम लगा कितनी 10^14 टू 10^-16 डिक्स, ठीक है, सेकंड, कितनी सेकंड, ठीक है, बहुत फास्ट, इसको बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। या तो इसको बोलो या वेरी फास्ट रिएक्शन, ये भी कर सकते हो आप, वेरी फास्ट रिएक्शन। चलो नोट करो इसको फटाफट, स्क्रीनशॉट लगाइए इसमें। अगर देखो बेटा यहाँ पर जो रिएक्शन जो कंप्लीट करता है कितना टाइम लगेगा, 10^-14 टू 10^-16 सेकेंड। कौन सी रिएक्शन होगा, एसिड बेस होता है, आयनिक रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल एसिड बेस का देख लो, HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन जाएगा, NaCl प्लस वाटर। कितनी टाइम लेता है रिएक्शन करने में, आपको लेगा 10^-14 टू इतनी सेकंड लेगा, बहुत कम टाइम में आपको ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, वेरी फास्ट रिएक्शन, क्या इसको बोलते हैं अपन फास्ट रिएक्शन। दूसरी स्लो, नोट करिए इसको, सेकंड वन स्लो रिएक्शन, इसको बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। दोनों सेम है, मॉडरेट इट्स इन सेकंड, ठीक है, वी नॉट एंड आवर, ओके। जस्ट फॉर एग्जांपल देखो बेटा, ये बेटा रिएक्शन कंप्लीट करेगा सेकंड में, मिनट में, याद रखना आवर में, मिनट सेकंड आवर। जस्ट फॉर एग्जांपल वर्स आवर प्रोसेस, इसका बेस्ट एग्जांपल है,
फॉर्म्स फाइबर प्रोसेस, ये इनऑर्गेनिक का पढ़ना है, देखना वहां पर मैं बताऊंगा। यहाँ पर एग्जांपल लो, अमोनिया का N2+H2 क्या बनाएगा, 2NH3। बैलेंस करो, दो नाइट्रोजन है, कितना है, 6 हाइड्रोजन, ठीक है, 3 है। उसको बोलते हैं बेटा बोर्न फाइबर प्रोसेस, बोर्न कब कंप्लीट करेगा, सेकंड में करेगा, मिनट में करेगा, आवर में करेगा, ठीक है। फिर नोट करो इसको, साइड रिएक्शन H2O2 क्या हो जाएगा, वाटर बनाएगा प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरह से लास्ट वन वेरी स्लो रिएक्शन, लास्ट वन बेटा देखो, थर्ड वेरी स्लो, ठीक है। जो रिएक्शन करेगा कंप्लीट, इट्स कंप्लीट इन करेगा, देखो ए में करेगा, ठीक है, एयर में भी करेगा, दिक्कत ए एयर मंथ भी ले लो, ए एयर एंड मंथ, यस इट्स कंप्लीट इन डे मंथ एयर। जैसे फॉर एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन लोहा, लोहा का जो रस्टिंग होता है ना उसको बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन, इट्स कंप्लीट डे एयर एंड मंथ। नेक्स्ट वन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन या इसको बोलते हैं वेलोसिटी, दोनों सेम है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इस पार्ट को बेटा बोलते हैं रिएक्टेंट, लेफ्ट साइड जो है ना, लेफ्ट साइड इसको बोलते हैं अपन रिएक्टेंट, राइट साइड को बोलेंगे प्रोडक्ट, हमेशा याद रखना रेड, क्लियर। अब देखो आप इनिशियली टाइम टी 0 पर, ठीक है, टी 0 पर क्या है कंसंट्रेशन, ए ये क्या है बेटा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं मोल पर लीटर, यहाँ लिख लो नोट में कहीं पर, कंसंट्रेशन क्या होता है मोल पर लीटर, ठीक है। इसका देखो टाइम टी पर, देखो फाइनली टाइम टी, टी पर क्या होता है ए माइनस एक्स, ए कितना बनेगा ए, देखो मान लीजिए हमको 100 रुपया मिला, देखो इट्स गो दैट आपके पास 100 रुपया है, मार्केट गए कितना खर्च कर दिए 10 रुपया, यही एक्स 10 रुपया है, ठीक है। ये फाइनल कंसंट्रेशन हुआ, इसको बोलते हैं फाइनल कंसंट्रेशन, ये
ये है तुम्हारी फाइनल, जिसने खर्च कर दिया, लॉस हुआ, फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन। फिर सेकेंड रिपीट, इनिशियल कंसंट्रेशन तुम्हारे पास ए है, हमारे पास 100 रुपया है, मार्केट गए, बाजार गए, ठीक है, तो क्या मिला, एक मैंने 100 रुपये में 10 रुपया खर्च कर दिया, कितना बचा, ये एक्स है जो 10 रुपया खर्च कर दिया आपने, ए माइनस एक्स, ये फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखो रेट क्या लिखते हैं, रेट, रेट होता है फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। किसका निकाल रहे हैं, रिएक्टेंट साइड का निकाल रहे हैं, किसका, रिएक्टेंट लेफ्ट साइड, ठीक है। क्या हो जाएगा फाइनल रेट, यहाँ देखो रेट हो जाएगा फाइनल है ए माइनस एक्स माइनस एक्स ए सॉरी ए डिवाइड टाइम, फाइनल कितना है टी, इनिशियल टाइम 0 आ जाएगा, माइनस कट लगाओ ए कट जाएगा, माइनस एक्स वाई टी, नेगेटिव आया, ये नेगेटिव, ये लॉस हुआ, लॉस, ठीक है, जितना आपने खर्च कर दिया टी टाइम, फाइनली रेट हो गया तुम्हारा बेटा माइनस एक्स वाई टी, ठीक है, किसका, रिएक्टेंट साइड का, रिएक्टेंट साइड, क्लियर। फाइनल कंसंट्रेशन देखो ए माइनस एक्स, इनिशियल कंसंट्रेशन ए, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, अब रेट निकालना है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कितना ए माइनस एक्स माइनस ए, ए कैंसिल आउट, माइनस एक्स, फाइनल टाइम कितना टी है, इनिशियल टाइम 0, ठीक है, ये हो गया। तो ऑलवेज याद रखना, रिएक्टेड का, रिएक्टेड का फाइनल कंसंट्रेशन वी हैव नेगेटिव, रिएक्टेंट का फाइनल कंसंट्रेशन विल बी नेगेटिव, ठीक है, इसको हमेशा याद रखना। प्रोडक्ट का निकालो, देखो यहाँ पर एक प्रोडक्ट का निकालता हूँ, नेक्स्ट पेज पर करो, ठीक है, चलो इसको मार्क करो, चलते हैं। क्या दिया हुआ था, ए टू बी, यही ना दिया हुआ था, इनिशियली टी पर 0 पर दिया हुआ, ए टाइम टी पर फाइनली ए माइनस एक्स, ये 0 ये यहाँ पर एक्स, क्लियर। इस साइड का निकालो, रेट किसका, प्रोडक्ट साइड का, क्या होता है फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल, ठीक है, डिवाइड फाइनल टाइम, रियल टाइम, ठीक है, फाइनल कैसे होगा, एक्स है 0 टाइम टी माइनस 0, कितना आ जाएगा, एक्स पॉजिटिव में आया, एक्स वाई टी, ठीक है, मतलब ये गेन हुआ, ठीक है, फायदा हुआ, ठीक है, प्रोडक्ट का। याद रखना जो रेट होगा प्रोडक्ट का ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, क्लियर, नोट करिए इसका, देख लो इसका भी देख लो, ये क्या है, निकाला था अपन ने बेटा ना रेट, किसका, रिएक्टेंट साइड का, किसका, रिएक्टेंट, क्या तो फाइनल कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स, इनिशियल कंसंट्रेशन ए डिवाइड टाइम फाइनल टाइम माइनस 0, ए कैंसिल आउट, कितना माइनस एक्स बाई टी, किसका है, रिएक्टेंट का, किसका, रिएक्टेंट साइड का, रिएक्टेंट साइड का ऑलवेज कंसंट्रेशन विल, रेट विल बी नेगेटिव, क्लियर। चलो अभी नोट देखो, यूनिट ऑफ रेट, ठीक है,
का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, यही ना है, ठीक है, क्या है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन, ये यहां से पूरा लिख लो चेंज टाइम, यही ना बेटा, ठीक है, यूनिट निकालो। अभी बताए हैं कंसंट्रेशन का क्या होता है, मोल पर लीटर, ठीक है, लीटर, अब यहां से निकालो रेट, रेट का क्या हो जाएगा मोल पर लीटर, टाइम का टाइम, यहां से क्या हो जाएगा मोल पर लीटर पर टाइम होगा, ये हो गया यूनिट ऑफ रेट, क्या हो गया बेटा मोल पर लीटर अपॉन पर टाइम, तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बेटा याद रखना है, ठीक है, क्लियर, मोल पर लीटर पर टाइम। कुछ नहीं है रेट, डीसी अपॉन डीटी, सिर्फ ये है चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का होता है मोल पर लीटर, टाइम से तुम डिवाइड कर दो, मोल पर लीटर पर सेकंड भी ले सकते हो, टाइम को सेकंड भी होता है, कोई दिक्कत, यहाँ से मिल सकते हो, यहाँ से मोल पर लीटर पर सेकंड, सेकंड में भी ले सकते हो आप, ठीक है, याद रखना। पर लीटर पर सेकंड या मोल पर लीटर पर टाइम, टाइम का यूनिट सेकंड, ठीक है, कंसंट्रेशन का क्या होता है मोल पर लीटर, पढ़ेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है, चलो नोट करो। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इट इज डिफरेंशियल इक्वल डिफाइन फॉर इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इज valid for variable time, clear, for example 0 to 5 second भी हो सकती है, या तो 5 to 10 second भी हो सकती है, या 10 to 15 second, इस तरह से अपन टाइम दिए, क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसका रेट क्या हो जाएगा, एवरेज रेट, एवरेज रेट डेल्टा सी अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ये इसको बेटा याद रखना, ठीक है, चेंज इन डेल्टा सी क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन मींस फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, डेल्टा टी चेंज इन टाइम मींस फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ओके, सिंपल डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, ठीक है, एवरेज रेट, ड्यूरेशन दिया रहेगा, ठीक है, 5 से 10 मिनट, 10 से 20 मिनट, इसमें क्वेश्चन में गिवन दिया रहेगा, ठीक है, तो एवरेज रेट निकालना, फाइंड करना। नेक्स्ट वन इंस्टेंटेनियस रेट, नेक्स्ट वन बेटा देखो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ, ये बेटा फिक्स टाइम के लिए होता है, ठीक है, फिक्स टाइम के लिए आपको ये डिफिनिट टाइम दिया रहेगा, ठीक है,
टीच इन फॉर पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम या कर सकते हो डिफिनिट टाइम, ठीक है। टाइम या कर सकते हो फिक्स टाइम, टाइम चीज है या कर सकते हो बेटा इंस्टेंट टाइम, ठीक है। करेक्ट हो जाएगा, देख लो हमको इंस्टेंटियस रेट डीसी अपॉन डीटी, ठीक है, इसको याद रखिए। ऐसे को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। यार यहाँ दिया रहेगा टाइम 10 सेकेंड, ठीक है, या टाइम 20 सेकेंड, फिक्स टाइम है, फिक्स किया रहेगा, या 30 सेकेंड पर आपको निकालना है क्या इंस्टेंटेनियस, फिक्स रहता है। चलो सिंपल, चेंजिंग कंसंट्रेशन अपॉन चेंजिंग टाइम, एग्जाम्पल्स क्लियर होगा। फर्स्ट है एवरेज रेट, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए टू बी, ठीक है, टी पर जीरो दिया हुआ है आपको ए वन, इसका बी वन दिया हुआ है, टाइम टी टाइम पर दिया हुआ है आपको, आपको इसको मान लो टी वन, टी टू इनिशियल टाइम, इनिशियल टाइम फाइनल टाइम, ए टू मान लो इसको बी टू दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, अब निकालो एवरेज रेट। क्या निकाल रहे हैं, रिएक्टेंट साइड का निकाल रहे हैं, किसका रिएक्टेंट साइड, बताया था ना अभी नेगेटिव, इसका क्या होता है नेगेटिव, क्या होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, ये फाइनल कंसंट्रेशन है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ए टू माइनस ए वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, ये याद रखना। एवरेज रेट इसका निकालो प्रोडक्ट साइड का, क्या होता है प्लस में, ठीक है, बी टू माइनस बी वन होगा अपॉन टी टू माइनस टी वन, ये इसको याद रखना। देखो बेटा बताए थे रिएक्शन, फाइनल कंसंट्रेशन ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव आता है ऑलवेज किसका रिएक्टेंट साइड का, बस उसके बाद करना है फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड, ये इसको याद रखना है। ये बेटा एवरेज विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट साइड का है, ये बेटा एवरेज रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट का, एवरेज रेट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, इसको तुमको याद रखना है। क्यों, रिएक्टेंट का देख लो क्या होता है नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव जनरल तो ये होगा, ठीक है, बट रिएक्टेंट साइड निकालो तो पहले नेगेटिव लगाएंगे, उसके बाद फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, डायरेक्ट कब नेगेटिव नहीं लगाओगे तो गलत आ जाएगा ऑप्शन, गलत। और रेट प्रोडक्ट क्या बताए थे, पॉजिटिव होता है ऑलवेज, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है बेटा प्लस, अब करो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइनल कंसंट्रेशन बी टू इनिशियल बी वन, फाइनल टाइम टी टू इनिशियल टाइम टी वन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, मैं ग्राफ से भी करा दूँ क्वेश्चन। इस पर ही यूज करेंगे, चलो देखो क्वेश्चन, देखो देखो ग्राफ्स, देखो ग्राफ से एवरेज रेट कैसे निकालते हैं, ठीक है,
कंसंट्रेशन है, वर्टिकल साइड कंसंट्रेशन, हॉरिजॉन्टल पे है टाइम। ठीक है, टाइम के साथ क्या होता है, रिएक्टेंट का घटता है। ठीक है, जीरो से स्टार्ट होता है, यहाँ देखो ये टी टू है तुम्हारा, टी वन, टी वन पे क्या है तुम्हारा ए वन कंसंट्रेशन, टी टू पे बेटा देखो पर है ए। ठीक है, अब निकाल एवरेज रेट किसका, रिएक्टेंट का, किसका बेटा रिएक्टेंट, है ना, माइनस लगाएंगे फाइनल कसर कितना, पहले लिख लो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम कितना, T2 पर कितना है बेटा A2, T1 पे A1, बस आंसर हो गया, आ गया इसका रिएक्टेंट का हो गया। क्लियर, प्रोडक्ट निकालेंगे, क्या है रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का देखो, मैं पूरे इसको स्क्रीनशॉट लगा, प्रोडक्ट का चलो एवरेज रेट। ठीक है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, चलो इस तरह से बेटा क्या है ए वन बी वन और पे है बी, इसको निकालो रेट किसका, प्रोडक्ट का, एवरेज रेट प्रोडक्ट का, क्या बेटा बताए थे, प्लस फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, क्या हो जाएगा बी टू माइनस बी, इसको याद रखना, सिंपल पर्पस मेरा यही हुआ कि आपको रिएक्टेंट का नेगेटिव होता है कंसंट्रेशन, ठीक है, और प्रोडक्ट का पॉजिटिव, चलिए नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस रेट, ये रिएक्टेंट का, ठीक, कंसंट्रेशन है, ये टाइम, क्या हो जाएगा रेट, सिंपल माइनस के साथ आर वाई टी टी, ये देखो आर रिएक्टेड टू प्रोडक्ट है, ये माइनस डी सी वाई डी टी, कोई दिक्कत, दोनों सेम चीज है। ठीक है, आपका रिएक्टेंट साइड को यार, चलो नोट करो, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, होता है एक कंसंट्रेशन है ये टाइम, ठीक है, इसका हो जाएगा आर टू प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, इसका रेट बेटा हो जाएगा प्लस डीपी वाई डीटी, डेल्टा लिख सकते हो डीसी वाई डीटी, तो दिक्कत इंस्टेंटेनियस रेट, क्लियर, चेंज इन कंसंट्रेशन सिंपल, बस चेंज इन कंसंट्रेशन माइनस डिवाइड चेंज इन टाइम फाइनल, रेट को अपन लिख सकते हैं डीसी बाई रेट, इसी को बोलते हैं बेटा स्लोप, इसी को बोलते हैं बेटा टैन थीटा, ठीक है,
टैन थीटा दोनों सेम चीज है या डिवाइड जो भी बोल सकते हो आप स्लोप टैन थीटा डिवाइडेड सारा सेम है ठीक है एवरेज रेट स्टैंडर्ड जो भी कर सकते हो ठीक है चलो नोट करो कंबाइन क्वेश्चन आया हुआ देखो क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है ये इधर कंसंट्रेशन दिया हुआ था टाइम दिया हुआ था हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक ग्राफ इस तरह से दिया हुआ था दूसरी ग्राफ इस तरह से दिया हुआ था ठीक है तो पहचानना था कौन सी कंसंट्रेशन कौन सी रिएक्टेंट है ये इसको बोलेंगे रिएक्टेंट ये क्या है प्रोडक्ट ठीक है पता ही है रेट लिखा रहेगा रिएक्टेंट का तो क्या कहेंगे रिएक्टेंट साइड का माइनस डीसी अपॉन डीटी इसको याद रखना है बेटा कंठस्थ और यदि प्रोडक्ट का लिखना है रेट बेटा देखो किसका प्रोडक्ट का ओ प्लस डीसी अपॉन डीटी क्लियर क्वेश्चन करेंगे इसको चलिए क्वेश्चन नीट में आया हुआ नीट में नीट क्वेश्चन कैलकुलेट कैलकुलेट एवरेज रेट साथ में लिखना बिटवीन बिटवीन 0 to 5 सेकेंड क्लियर एंड 5 to 10 सेकेंड ग्राफ दिया हुआ है हेल्प ऑफ ग्राफ ठीक है ग्राफ सॉरी दिया हुआ आपका ग्राफ दिया हुआ ठीक है वर्टिकल साइड पे है तुम्हारा कंसंट्रेशन टाइम ठीक है 0 से 4 ये दिया हुआ 0 सॉरी 5 सेकेंड ये दिया हुआ है 10 सेकेंड 5 पर दिया हुआ 0.4 दिया बेटा 0.2 और 0 पर दिया हुआ है 0.6 इस तरह से ठीक है चलो सॉल्व करो सबसे पहले तुमको पहचानना है किसका ग्राफ दिया हुआ है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टेंट का दिया हुआ है किसका बेटा रिएक्टेंट का फर्स्ट निकालते देखो 0 to 5 सेकेंड है ना एवरेज रेट एवरेज रेट क्या होता है रिएक्टेंट का नेगेटिव होता है फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन पहले बेटा फाइनल टाइम लिखो कितनी 0 टू 5 निकालना था फाइनल टाइम ये हो गया 5 इनिशियल टाइम 0 5 पर कितना था बेटा देखो 5 पर 0.4 है
जीरो पर 0.6, देखो यहाँ पे 5 पर है, देखो 5 पर 0.4 है ना, इस तरह से 0 पर कितना है देखो 0 पर 0.6, चलो नेगेटिव ये कितना हो जाएगा -0.2 होगा, इस तरह से 5 एक प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा बेटा 0.2 upon 5, ठीक है, कितना आ जाएगा 4 × 10⁻³, ठीक है, क्या जाएगा मोल पर, कैलकुलेट कर लेना, पर लीटर पर सेकेंड, क्लियर। ये दूसरी देखो 5 to 10 seconds, ठीक है, क्लियर, सेकंड में दिया हुआ, यहाँ देखो एवरेज रेट नेगेटिव होता है रिएक्टेंट साइड का है, फाइनल कंसंट्रेशन 10 पे लिखो -5, 10 पर कितना है 0.2 और 5 पे कितना है 0.4, ये भी आ जाएगा, ये डिपार्ट नेगेटिव आएगा, माइनस आ जाएगा तुम्हारा 0.4, ये भी फाइनल बेटा आ जाएगा तुम्हारा 4 × कैलकुलेट कर लोगे प्लस में आएगा 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड, क्लियर। चलो चलो नोट करो इसको, चलिए नेक्स्ट वन, इसमें शोर लगाइए इसको, और द रिएक्शन देखो प्लस बी टू सी, ठीक है, ऑफ ए, ए के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ, देख लो इनिशियली वाज ऑब्जर्व्ड जीरो पॉइंट टू मोल पर लीटर में दिया हुआ बेटा, ठीक है, मोल पर लीटर, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आफ्टर 20 मिनट फाइनल दिया हुआ है, ठीक है, आफ्टर 20 मिनट वाज फॉर्म्ड टू बी 0.6 मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर दिया हुआ, कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फर्स्ट 20 मिनट ठीक है,
इन टर पर सेकंड। चलिए करेक्ट कर लेते हैं। देखो बेटा सिर्फ इंफॉर्मेशन ए का दिया था, किसका रिएक्टेड साइन का था, क्या हो जाएगा रेट, रेट हो जाएगा नेगेटिव माइनस डीसी बाई डीटी, ये हो जाएगा एवरेज रेट, क्या हो जाएगा माइनस के साथ। फाइनल कितना दिया हुआ है तुम्हारा 0.6 इनिशियल 0.2 डिवाइड फाइनल टाइम 20 इनिशियल टाइम 0, क्या हो जाएगा नेगेटिव में 0.4 अपॉन 20, ये आंसर आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है देखो ए प्लस बी सी इनिशियल जी जीरो पर दिया हुआ है तुम्हारा 0.2, इसका कुछ नहीं दिया, इसका कुछ नहीं दिया हुआ 20 पे बेटा दिया हुआ है, 20 पर बेटा दिया हुआ है तुम्हारा 0.6, इसका कुछ नहीं कुछ नहीं। आगे फाइनल कंसंट्रेशन इसका कंसंट्रेशन क्लियर। चलो सॉल्व करो, नोट करो। ये बेटा नीट पूछा हुआ क्वेश्चन, नीट का आया हुआ, ठीक है नीट। नेक्स्ट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। क्या होता है इट्स डू नॉट डिपेंड या सबका सबका स्टाइक्योमेट्री, स्टाइक्योमेट्री क्या कह सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है इट्स कैलकुलेटेड लिखना ओनली रिएक्टेंट साइड, क्या बेटा सिर्फ रिएक्टेंट साइड का निकालते हैं क्या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है परमिशन किसी से नहीं लेनी है, ठीक है इट्स डू नॉट टेक परमिशन। क्लियर इज द पॉइंट, अल्फा ए प्लस बीटा बी डेल्टा सी प्लस गामा, ठीक है दिया हुआ है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितना, इसका लिखना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ कितना, इसका ए का माइनस होता है रिएक्शन, ठीक है रिएक्टेंस क्या होता है डी डी ए अपॉन डी टी, इसका लिखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी का माइनस के साथ डी बी बाई डी टी, इस तरह से क्लियर। एग्जांपल देखो, नोट करो इसको, यहाँ देख लो एक बार मार्क कर लो, यहाँ पर देख लो यहाँ बेटा ये डिपेंड नहीं करेगा किस पे, मोल पे डिपेंड करते हैं, अल्फा मोल है, अल्फा मोल बीटा मोल डेल्टा, ये आ रहा हूँ प्रोडक्ट साइड में, देखो रेफरेंस है, देखो अल्फा है या तो कोफिशिएंट, देखो अल्फा कोफिशिएंट है बीटा है, इस पर डिपेंड नहीं, कहीं पर है अल्फा कहीं नहीं दिख रहा है। रिएक्टेड साइड का हमेशा बताया था ना रेट, एवरेज रेट हो स्टैंडर्ड रेट हो, क्या होती है नेगेटिव, नेगेटिव पहले देखना नेगेटिव, देखो यहाँ पर भी नेगेटिव देना, ठीक है। सो फाइनली डी ए बाई डी टी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, क्लियर। चलो क्वेश्चन है N2 प्लस H2 2NH3 रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए 3 कर लो, ठीक है ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन का, क्या हो जाएगा माइनस के साथ DN2 कंसंट्रेशन अपॉन DT या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ कितना इसका H2 का माइनस के साथ D कंसंट्रेशन H2 अपॉन
इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, देखो इस पर नहीं डिपेंड करेगा, थ्री है कोफिशिएंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वन है इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। चलो और देखो क्वेश्चन, टू प्लस ओ टू क्या हो जाएगा, ठीक है दो है, ठीक। चलो रेट ऑफ दिस सरफेस किसका निकालना है, H2 का रिएक्ट एंड सरफेस माइनस के साथ BH2 कंसंट्रेशन अपॉन क्लियर, या इसका निकालो रेट ऑफ दिस सरफेस ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, माइनस के साथ कंसंट्रेशन ऑक्सीजन अपॉन टाइम क्लियर प्लस। करिए नेक्स्ट है रेट ऑफ अपीयरेंस, क्लियर लिख लो इट्स डू नॉट डिपेंड ऑन मोल या स्टाइकियो मेट्री या कह सकते हो कोफिशिएंट ऑफ, तो दिक्कत क्या हो जाएगा, इट्स कैलकुलेटेड बीटा बी कॉमा सी प्लस डेल्टा डी, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस किसका, सी का निकला, प्लस के साथ लिखेंगे डीसी अपॉन डी, ठीक है। कंसंट्रेशन रेट ऑफ अपीयरेंस लिखनी है बेटा डी का, क्या जाएगा प्लस के साथ डी डी अपॉन डी, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, चलो नोट करो इसको, क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन देखो, प्लस H2 2NH3 दिया हुआ है, CH3 रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है किसका, अमोनिया का, क्या हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन डिपेंड नहीं करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन ये आंसर, ठीक है ये बड़ा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, H2 प्लस O2 क्या हो जाएगा, 2H2 O2 से निकालो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, प्लस के साथ DH2 ठीक है। चलिए नोट करिए, चलिए नोट करिए, देखो बेटा क्वेश्चन दिया रहेगा, देखो अल्फा ए प्लस बीटा बी इक्वल टू गामा सी प्लस डेल्टा डी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा बैलेंस होना चाहिए, डायरेक्शन विल बी बैलेंस,
ट्रांजैक्शन विल बी बैलेंस्ड। ओके अब देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका, ए का, क्या हो जाएगा माइनस के साथ कंसंट्रेशन ऑफ डीए बाय डीटी। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड है, ये रिएक्टेंट साइड में ऑलवेज पहले नेगेटिव लगाना, ये प्रोडक्ट साइड पर समय ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक ऑप्शन पर नहीं डिपेंड करेगा, माइनस डीबी, बी में कंसंट्रेशन है बी का, ठीक है इसी तरह से लिखो उसका रेट ऑफ अपीयरेंस किसका सी का, क्या जाएगा प्लस के साथ डीसी अपॉन डीटी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी 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 अपॉन ये। चलो करते हैं प्रैक्टिस, करिए इसको देखिए। दिया हुआ है रिएक्शन आपको दिया बेटा 4NH3 प्लस 5 O2 NO, ठीक है राइट द एक्सप्रेशन ऑफ रेट, करा राइट द एक्सप्रेशन रेट ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस, क्या निकालना बेटा अपीयरेंस, ठीक है किसका इन होता इसकी। चलो निकालो फाइंड करो, यू हैव फाइंड टू रेट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इन ओ। ओके बेटा टू फाइंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ इन ओ, देखो आंसर लिखो एक लाइन में किसका रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, प्रोडक्ट साइड पॉजिटिव होता है ऑलवेज, इसका कोएफिशिएंट पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ कंसंट्रेशन इन ओ अपॉन डीटी। क्लियर या रेट ऑफ इसका लिखो अपीयरेंस, वाटर का क्या हो जाएगा पॉजिटिव के साथ प्रोडक्ट साइड में है BH2O अपॉन डीटी। क्लियर अमोनिया का लिखो क्या लिखा है इसका डिसअपीयरेंस, रिएक्टेंट साइड डिसअपीयरेंस, प्रोडक्ट साइड अपीयरेंस, ठीक है अपीयरेंस मींस पॉजिटिव तुम्हारे को फायदा हो रहा है और रिएक्टेंट साइड नेगेटिव तुमको लॉस हो रहा है। ठीक है इसका लिखो अमोनिया का क्या हो जाएगा बेटा नेगेटिव के साथ डी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन टाइम, दूसरा लिखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा नेगेटिव के साथ डी ओ। क्लियर ये आंसर बेटा सर, ठीक है मार्क करना अपीयरेंस कहीं रहेगा, अपीयरेंस पॉजिटिव डिसअपीयरेंस नेगेटिव कहीं साइड में लिख दिया करो। चलो नोट करो नेक्स्ट वन, नोट करो फास्ट। चलो नेक्स्ट वन यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन, मोर प्रैक्टिस। ओके N2 plus 3H2 कर दो क्या है 2NH3, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ राइट द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की निकालनी है। चलो सॉल्व करो इसको खुद से, लगा लिया करो क्वेश्चन, ठीक ना देखिए किसका बेटा पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन किस साइड है यहाँ पर है रिएक्टेंट साइड, नेगेटिव लगाओ कंसंट्रेशन DH2 अपॉन, ठीक है
और सबका लिख डालो, नहीं भी है क्वेश्चन में तो नाइट्रोजन का लिख डालो, क्या हो जाएगा माइनस का साइड डी एन टू अपॉन डी टी यहाँ कर लिखना ठीक है। चलो नोट करो इसको, नेक्स्ट वन देखो इसको करिए, बताना है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ पेरेंट्स ऑफ चलो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका बेटा H2 का क्या हो जाएगा किस साइड है नेगेटिव रिएक्टेंट साइड है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव के साथ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस O2 O2 का बेटा किस साइड है रिएक्टेंट साइड है डी ओ टू अपॉन डी टी ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस बताओ वाटर का क्या प्रोडक्ट साइड पॉजिटिव होगा, अब चीजें याद हो गई होगी ठीक है, इसको अच्छे से रिवीजन करना ठीक है। चलो नोट करो अच्छे से रिवीजन करना ओके, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन अलग चीज है ठीक है, इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना यहां तक। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ओके बाय।